वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जी। तो भाई आज एक और नया शानदार बीस्ट लेके आए हैं। बहुत ही प्यारा कलर है, यूनिक क्रिएशन है। कितने का पड़ा, कहां जा रहा है, पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर आप भी ऐसा एक शानदार गाड़ी लेना चाहते हो तो भाई सबसे पहले मैसेज करें, कॉल करें हमारे नंबर 8199061161 पर, तो आपको उस गाड़ी का प्राइस बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस शानदार गाड़ी का वॉक अराउंड वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कैसा लगा आपको हमारा ये प्यारा सा क्रिएशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाएं। आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है तो नीचे लिखें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो नए फ्रेंड आज पहली बार जैन मोटर्स को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन में आपका ऑप्शन दबा दे, फिर ही आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलता ही रहेगा। बाकी भाई जैन मोटर जीप के नाम से हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहां पे फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि हमारी जो भी गाड़ी बनती है उसका फोटो अपलोड होता है, उसकी रील्स अपलोड होती हैं और लाइव स्ट्रीम के अंदर बातचीत होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ, उनके लाइव हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, तो फॉलो जरूर करें। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की ऑनरशिप डिटेल। वैसे आपको क्या लग रहा है, कहां जा रही है ये गाड़ी? एक तो इसका लुक अमेजिंग है, दूसरा आगे नंबर में लिख रहा है पीवी, तो भाई जाहिर सी बात है ये गाड़ी जा रहा है पंजाब में। तो हमारे गगन जी हैं जो ब्रैम्पटन कनाडा में रहते हैं, पीआर है वहां पे, वहां से उन्होंने एक गाड़ी का ऑर्डर हमें किया था। वहां पे एक गाड़ी देखा कि भाई हाँ मेरे को इस टाइप का गाड़ी बनाना है। राहुल भाई बिल्कुल ही डिफरेंट, आपने जितनी गाड़ियां बनाई है उसके बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये गाड़ी का उन्होंने फोटो भेजा कि बोले भाई मेरे को अपने पापा को ये गिफ्ट करना है। तो उनके पापा रहते हैं यहाँ संगरूर पंजाब में, हमारे से लगभग 300 किलोमीटर के करीब हैं, तो वहाँ गाड़ी ये जा रहा है। तो उनकी जो लुक है भाई बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ देख रहे हो आप, सबसे पहले ग्रिल जो इसके अंदर लगा है ना भाई, वो बहुत ही रेयर है, आपको देखने को मिलेगा आज से पहले। तो ये जो ग्रिल लगाया गया है ये वार टाइप का ओरिजिनल विलेज का ग्रिल है, और ये सारे कड़े वगैरह टोटल तरीके से बनाए गए हैं, इसको फिनिशिंग दिया गया है ताकि इसका लुक जबरदस्त आ सके। यहाँ आगे उन्होंने कुछ नहीं लगवाया, बोले कि भाई मेरे को ये जो बिल्कुल ही ओरिजिनल टाइप ही रखना है, इसमें कोई लाइटिंग वगैरह नहीं करना, कोई स्टिकरिंग वगैरह नहीं करना, कोई वुडन वर्क नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल सोबर गाड़ी मेरे को बनवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही इनको बहुत ही प्यारा सा गाड़ी हमने बना के दिया है। तो आज मैं आपको इंजन दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंजन के बारे में डिस्कशन हो जाए। तो इसके अंदर भाई गाड़ी के अंदर जो इंजन रखा है वो महिंद्रा ब्लेरो टर्बो रिफर्बिश करके M2DI इंजन इसके अंदर पूरी तरह रखा गया है, बाकी फुल्ली ओवरऑल करके इसके अंदर रखा है हमने, ताकि आगे कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे ब्रांड न्यू इंजन, फुल ब्रांड न्यू इंजन, वैसे ही हमारा इंजन, आप बेफिक्र हो जाएं, एक साल की हम वारंटी भी देते हैं। अगर आपके इंजन में कोई भी दिक्कत आ गई तो आपको रिप्लेस करके देंगे हम, उस चीज़ की टेंशन ना लो। जहाँ आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़गी आप हमारे पास पुराना पार्ट्स भेजें, आपको रिप्लेस करके हम आपको नया पार्ट्स भेज देंगे। और इसके अंदर जो अल्टरनेटर देख रहे हो आप, ये भी ब्रांड न्यू लगा है, सेल्फ भी ब्रांड न्यू लगा है, क्वालिटी का काम किया है, कोई भी कंप्लेंट ना आए। सब बूस्टर वगैरह आप देख रहे हो नए, और यहाँ पे एमरॉन की बैटरी, ओरिजिनल महिंद्रा का रेटर इसके अंदर लगाया, और यहाँ पे लगी है डंपिंग शीट। तो क्योंकि एक तो पंजाब में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, दूसरा भाई थोड़ा सा यह है विंटेज लुक में इसको हम ज़्यादा लगाते हैं, तो विंटेज लुक में थोड़ा सा एक और अच्छा लुक आ जाता है अंदर से। तो ये जो इसके अंदर इंजन रखा है यही ऑलमोस्ट हम इंजन रखते हैं। बाकी भाई इंजन बहुत तरह के आते हैं, टोयोटा के आते हैं, इसुजू के आते हैं, और पेट्रोल के इंजन भी काफ़ी तरह के आते हैं, बाहर के इंजन होते हैं, बट हम जो मोस्टली जो है वो महिंद्रा ब्लेरो टर्बो ही रखते हैं, क्योंकि इसका रिपेयर नहीं है भाई, आप कहीं एक लोकल वर्कशॉप में भी ठीक करवा सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई बड़ा रिस्क वाला काम नहीं है। अगर अपन इसके अंदर कोई पेट्रोल का या फिर अपन कोई इसके अंदर बाहर का इंजन रखते हैं तो भाई वो मेंटेनेंस इशू आ सकता है। वैसे तो अगर ये कुछ भी रखवा लेते, जैसे पेट्रोल का रखवा लेते या टोयोटा का रखवा लेते, तो कोई दिक्कत नहीं आना था इनको, क्योंकि हमारे से बिल्कुल 250 किलोमीटर के 300 किलोमीटर की रेंज में ही है, तो बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे पास आके ठीक भी करवा सकते हैं, तो ईजी है उनके लिए, तो वो रखवा सकते हैं। वैसे मोस्टली मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इंजन रखवाना चाहते हो ना
तो आप महिंद्रा ब्लेरो टर्बो ही रखवाएं, चार दिन बाद कंप्लेंट ना आए। और इसके अंदर जो बॉडी का लुक दिया गया है बहुत ही अमेजिंग ओल्ड लुक दिया गया है, जैसे मडगार्ड में इंडिकेटर हमने नए तरीके से फिट कर दिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ तो लगवाए नहीं इंडिकेटर, भाई मेरे को यहाँ पे यहाँ यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो साइड पे एक इंडिकेटर लगा दिए। और विंडशील्ड इसके अंदर लगा है ओल्ड मॉडल का, विलेज का। भाई मैं आपको बताऊं तो यार ये विंडशील्ड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं हमारे कस्टमर्स को बोलता हूं, बट कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि भाई नहीं लगाओ। इसका बेनिफिट कुछ नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको थोड़े से नुकसान बता दूं इस विंडशील्ड के। अगर आप थार का विंडशील्ड लगाते हो ना तो बहुत ही अमेजिंग है, एक तो उसकी मजबूती बहुत होती है, इसकी मजबूती बिल्कुल नहीं है, एक पाइप लगी हुई है भाई और यहाँ पे चादर लगी हुई है। सबसे पहले अगर इसके अंदर ख़राब होगा तो विंडशील्ड ही होगा, क्योंकि इसका एक तो मजबूती कम है, दूसरा क्या है भाई इसके अंदर जो लगी है ना साइड में रबड़ लगी है, तो ये चकोर में लगी है, चकोर में होने के कारण यहाँ से पानी भी अंदर आ सकता है, आएगा ही आ सकता है क्या, तो इसीलिए भाई इसको लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे बढ़िया है कि आप प्लेन ग्लास इसके अंदर लगाएं, प्लेन ग्लास लगा हो साइडों पे, राउंड हो तो कर्व किया हो, और तो वहाँ से कोई भी पानी वगैरह अंदर नहीं आता, तो ये चीज़ होती है। इसीलिए अभी मैंने बोल भी दिया है हमारी मैनेजमेंट टीम को, अगर कोई कस्टमर मांगे भी तो भी मत लगाना, बोल देना कि भाई ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। क्या फ़ायदा अगर चार दिन बाद फिर इस चीज़ की कंप्लेंट आए। तो इंटीरियर की बात करें दोस्तों, इंटीरियर इसके अंदर जो लगाई गई हैं सीट्स बिल्कुल ही अलग हैं, अलग पैटर्न है, हर चीज़ को उन्होंने डिफरेंट चुना है। तो सीट्स इसके अंदर लगी है ओल्ड मॉडल की, लेकिन इसके अंदर भी लाइनिंग करवाई है उसके अंदर, और कंसोल आप देख रहे हो, कंसोल भी बहुत प्यारा छोटा सा कंसोल लगा है, और स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर जो लगाया गया है वो बहुत ही प्यारा ओल्ड मॉडल का, असेंबली वगैरह स्विच यहाँ पे लगा दिया स्टार्टिंग वाली, और मीटर्स जो लगाए गए हैं वो 5 मीटर डिस्प्ले है, ऊपर मीटर लाइटिंग लगा दी है, और टूल बॉक्स के ऊपर प्लेट्स लगा दी हैं, ओरिजिनल विलेज की वेंडिंग की हुई है, तो ये चीज़ इसके अंदर कर दी है। और फुटरेस्ट भाई इन्होंने बिल्कुल ओल्ड मॉडल के लगवाए हैं, कोई भी न्यू मॉडल का इन्होंने फुटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगवाया। डीजल टैंक भी आगे लगवाया है, मोस्टली हम पीछे लगाते हैं, तो इसकी भी थोड़ी सी वजह है, क्योंकि बाई चांस थोड़ा बहुत अगर डीजल इसके अंदर लीकेज होगा तो गाड़ी के अंदर आ जाएगा, और पीछे अगर होगा तो फिर लीकेज वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में भी। तो इसीलिए ये जो चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल लुक में लगवाई हैं, जैसे ये सीट्स है भाई, तो सीट्स ये ओरिजिनल है, तो ये चीज़ कैसे है, दो जगह से फोल्ड होती है, अगर आप यहाँ पे कुछ सामान रखना है तो आप सामान वगैरह रख सकते हो, तो ये फोल्डेबल सीट्स लगा दी हैं। और पीछे ये पर्दे हैं, तो ये पर्दे जो हमने अब एक्स्ट्रा बना के दिए हैं, तो इसको फुल कवर करना हुआ तो ये इजीली कवर हो जाएगा, ऐसे ग्लास वगैरह लगा दिया तो ये फुल कवर भी हो जाएगी। तो वैसे हाफ वुड में ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसको अगर पूरा कंप्लीट कवर करेंगे तो यार उतना अच्छा नहीं लगेगा। रियर की बात करें दोस्तों, तो रियर के अंदर इसके अंदर डोर लगाया गया है, डोर लगाने के बाद इसके अंदर जो है यहाँ पे एक हैवी फुटरेस्ट उन्होंने लगवाया है अपनी चॉइस के ऊपर। बाकी लाइटिंग आप देख रहे हो, ये कुछ अलग टाइप की लाइटें हैं, मोटरसाइकिल की लाइट आती है ये, तो इसके अंदर जो फिटिंग की है, क्योंकि कुछ ना कुछ यार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो कस्टमर के ऊपर है, जब बोलता है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी लग रही है लगा दो तो हम लगा देते हैं, नहीं तो अगर बोलते तो भाई नहीं मेरे को इस टाइप की नहीं कुछ अलग दूसरी टाइप की चाहिए तो फिर वैसा लगा देते। तो इसके अंदर विलीज वेंडिंग की गई है रियर डोर के अंदर, तो अभी ये क्लिप्स वगैरह बहुत लगे, नहीं तो आपको खोल के बताता, ये जो डोर है ना ये ऐसे खुलता है नीचे, नहीं तो मोस्टली जो डोर होते हैं वो साइड से खुलते हैं ऐसे, तो ये डोर ऐसे खुलता है, ये जो जंजीर वगैरह लगाई गई है, तो ये विंटेज लुक के अंदर ही डोर लगाया गया है, ज़्यादा मजबूती नहीं होती इसकी डोर की, क्योंकि आप इसके ऊपर वेट नहीं ले सकते। और भाई ये टायर लगाने की वजह है, ये डोर उतना मजबूत नहीं है, नहीं तो टायर पीछे ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर साइड पे लगाते हैं ना टायर तो भाई कई बार किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं तो दिक्कत, रिवर्स करते हैं गाड़ी को तो दिक्कत, कहीं गाड़ी इसमें लग जाता है, दीवार में लग जाता है, तो कई बार साइड पे करते हुए किसी गाड़ी में लग जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है, बट इसको लगाना पड़ा, मजबूरी होगी हमारी कस्टमर को, एक तो यहाँ पे चाहिए था, दूसरा जो डोर था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, इसी वजह से हमने टायर जो है साइड पर लगा दिया। तो भाई ये चीज़ें हो गई, आपको दिखा दिया, मॉडल बहुत ही प्यारा है, अगर आप ऐसा ही गाड़ी बनवाना चाहते हो तो बहुत ही ईजी है। आप रूफ वगैरह भी इसके अंदर कुछ अलग पैटर्न का लगाया गया है, तो आप अपनी चॉइस के ऊपर गाड़ी बनवाएं, जैसा आपको पसंद है वैसा गाड़ी आपके लिए बना के देंगे। बात करें इस गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो ये गाड़ी भाई लगभग पड़ा है हमारे कस्टमर को 4,80,000 रुपये का। 4,80,000 रुपये का क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो टायर्स है वो भी हमने स्पेशली 7/16 के लगाए हैं, थोड़े बड़े हैं टायर, ब्रॉड हैं, और ये ब्रॉड टायर हमने स्पेशली मंगवाए हैं और इसके अंदर फिटिंग कर दिए हैं, बाकी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आपको कुछ और नए मॉडल देखने को मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।